नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों आज डेट है 25 जुलाई 2022, मंडे का सेशन है और टाइम हो रहा है 11:08 AM। और दोस्तों हमने फ्राइडे के दिन यहां पे पोजीशन बनाई थी, उस दिन हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी थी और यहां पे आज हमने होल्डिंग पे रखा था अपनी पोजीशंस को। तो यहां पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अभी बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक वीक हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी तो यहाँ से कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस दिखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने कई पोजीशंस बनाई हुई थी जिसे मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने जा रहा हूँ और अभी प्रेजेंट में मुझे जो है करीब 5,500 के आसपास का बेनिफिट चल रहा है और बैंक निफ्टी भी जो है 16,580 के आसपास है और बैंक निफ्टी 536 है, काफ़ी वीक हो चुका है बैंक निफ्टी और एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली है। और दोस्तों यहाँ से देखिए अभी हमें 5700 के समथिंग का बेनिफिट यहाँ पे चलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कई पोजीशंस बनाई थी, 16,600 का स्ट्रेडल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पे 16,700 का मैंने यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट करी है। तो पूरी डिटेल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना जो भी है मुनाफा पहले यहाँ पे बुक करना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैं ऑप्शन राइटर हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे अपने प्रॉफिट की बुकिंग यहाँ पे करनी होती, क्योंकि मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से कितना कैलकुलेशन में कितनी दूरी में बन रहा है ये सब चीज़ें, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए ऑप्शन सेलर्स के कैलकुलेटेड लॉस और कैलकुलेटेड प्रॉफिट लेके मार्केट में चलना रहता है। तो चलिए यहाँ पे अभी 5800-5900 के आसपास का बेनिफिट हमें स्क्रीन में चल रहा है। तो 6000 भी दिखा है तो यहाँ से बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो गया है और एक पर्टिकुलर 500 का एक साइकोलॉजी लेवल है, इसे भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसके लिए फिर डाउन लेवल 36,335 का निकल के आएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सपोर्ट जोन पे आप कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही पूरा मार्केट का खेल है। तो यहाँ से देखिए अगर 36,090 के आसपास भी एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है तो यहाँ से एक थोड़ी सी रैली हमें यहाँ पे मिल सकती है जो कि करीब करीब इससे 100-150 पॉइंट नीचे की ओर लाने की कोशिश बैंक निफ्टी को कर सकती है। तो चलिए जो भी आपके प्रॉफिट हैं वो भी बढ़िया बनते जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है अभी 6000 के आसपास का मेरा बेनिफिट है और यहाँ से मैं अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ से मैं एग्जिट लेता हूँ। दोस्तों मैंने सभी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, फिर आपको डिटेल से यहाँ पे बताऊँगा। तो देखिए एटलीस्ट मैंने 6,027.50 का बेनिफिट यहाँ पे बुक करा है जो कि एक अच्छा खासा बेनिफिट मार्केट में निकल गया है। तो कभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक छोटा अकाउंट है, 3 से 3.5 लाख रुपए इसमें रेगुलर रहते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग की करके बता रहा हूँ। तो देखिए रोज़ थोड़ा थोड़ा कमाएंगे आप और जैसा मेरा इसमें टारगेट रहता है 2,000 रुपीज़ पर डे का, तो मैंने फ्राइडे को बुक नहीं किया और आज का बुक किया हूँ तो यानी 4,000 मेरा होना चाहिए, मुझे 6,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटेड रहता है, यहाँ पे हम लालच में नहीं पड़े रहते 6,000 का 8,000 हो जाए 10,000 हो जाए तब हम बुक करेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऑप्शन राइटर्स हैं, हम मार्केट कहीं से भी किसी भी लेवल पे पलट सकता है। तो देखिए मेरी कोई भी पेंडिंग पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया था, देखिए 16,600 की सी को शॉर्ट किया था और यहाँ पे मुझे करीब करीब 1906 रुपये का बेनिफिट है और 16,700 की सी को शॉर्ट किया था, इसमें भी 50% अप्रॉक्स डीके मिल गया मुझे, 2,700 रुपीज़ का बेनिफिट इसमें हुआ है। और एक मैंने जो है इसे हैज करने के लिए ली थी ये पोजिशन, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, 17,850 का, तो इसमें भी देखिए हम 6 रुपये के बेनिफिट के साथ ही निकले हैं। और आप देख सकते हैं 36,500 की सी को भी मैंने बैंक निफ्टी पे शॉर्ट किया था और यहाँ पे भी मैंने करीब 984 रुपीज़ का
बेनिफिट बुक किया है। और इसके बाद मेरी एक क्वेश्चन है 16,600 की पी और सी दोनों को शॉर्ट किया था, जिसे शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं, इसमें 408 रुपीज़ का बेनिफिट है। तो आप मेरी सभी पोजीशंस को वॉच आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो पोजीशन बनाई हुई है सभी में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो एक दो तीन चार और पाँच पोजीशन है मेरी और यहाँ पे मैंने 6,027 रुपीज़ का बेनिफिट बुक कर लिया है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं कि स्पेशली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मेरी एक भी पोजीशन आपको इसमें बाइंग की नहीं दिखेगी, और जो दिखेगी बाइंग की पोजीशन, जैसे ये वाली बाइंग मैंने करी थी 17,850 की, सी को मैंने बाई किया था। क्यों किया था इसमें 3 लॉट? क्योंकि मेरे को मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो चलिए अभी तो काफ़ी समय बाकी, और जैसे भी एक पर्टिकुलर लेवल से कुछ हमें रिजेक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट लेवल से कुछ ऐसा समझ में आता है तो वहाँ से हम या तो पी को शॉर्ट करते हैं या सी को शॉर्ट करते हैं, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करते हैं। बाइंग करने से क्या है कि देखिए आपको बड़े मुनाफे तो होते हैं, लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब आपको वहाँ से एक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम यहाँ से हर चीज़ को सेल करके चलना पसंद करते हैं। तो आप मेरे देख सकते हैं इसमें जो है समरी है, मैंने डिटेल दे दी है, और आप लोगों से उम्मीद है कि अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जो भी मेरा बंदे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube जो न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रखा है ट्रेडिंग स्क्वायर, उसको जल्द से जल्द आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि ट्रेडिंग स्क्वायर पे ही अब ये सब ज़्यादातर वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।